अदालत के इस फैसले के बाद भुल्लर के परिवार वाले काफी आहत हैं। उनकी पत्नी नवनीत कौर से हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने इसी मसले पर बातचीत की। देविंदर सिंह भुल्लर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी है। इस फैसले पर उनकी पत्नी का क्या मानना है? मैम, जाहिर तौर पर यह उम्मीद नहीं होगी इस फैसले की, लेकिन इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फैसला इससे हमारे इतना अगेंस्ट आएगा कि पिटीशन को डिसमिस ही कर देंगे। जो डिसमिस की स्टेज थी वो तो पहली में ही हो जाना चाहिए था। डिसमिस करना था तो पहली में भी कर सकते थे जज साहब। अब 2 साल का इंतजार के बाद उसको डिसमिस किया है तो इसके लिए शॉक तो लगेगा ही ना कि हमें उम्मीद नहीं थी कि एक मेंटल ग्राउंड है, फिजिकल मेंटल ग्राउंड है और ऊपर डिले वाली है, तो वो कुछ तो कंसीडर करेंगे। उन्होंने कानूनी तरफ से कुछ भी नहीं देखा है और जस्ट ऐसे ही फैसला दे दिया कि डिसमिस कर देंगे, जैसे बस कुछ भी नहीं है। तो जो दलीलें दी गई थी क्यों कोर्ट ने क्यों नहीं सुना, क्या लगता है आपको? हम कुछ भी नहीं कह सकते क्यों, पता नहीं क्यों कितनी बहस हुई। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते लगातार बहस हुई। जो जानी साहब थे उनको कोर्ट ने हायर किया असिस्ट करने को, एक और लॉयर थे, तुलसी साहब थे हमारे लॉयर, मगर फिर भी इतना कुछ इतना वास्ट कर दिया था उसने कोर्ट ने इसको दायरे को हमारी पिटीशन के ऊपर, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इसके सारे पक्ष देख करके भी वो फैसला सुनाएंगे, मगर मुझे पता नहीं कि उन्होंने कोई पक्ष देखा क्यों नहीं। तो किन किन जो दलील आप लोग की ओर से दी गई थी, किन दलीलों पर आपको ज्यादा उम्मीद थी कि इनकी सजा जो है फांसी की सजा उसको उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी, किन किन दलीलों पर आपको विश्वास था? एक तो हमें देरी पर था कि तो देरी है, वो आदमी रोज मरता है। 8 साल ट्रायल का पीरियड बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसके बाद जब हम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाली, उसकी भी वहां भी रिजेक्शन हुई, फिर हमने जब प्रेसिडेंट के पास डाला तो वहां पे भी 8 साल लगा दिया, 8 से 10 साल का समय, तो इतनी देर पर दे तो आदमी खुद ही मेंटल हो जाता है सोच सोच के, कोई भी हो, मैं हूं कोई भी हो आप सोसाइटी में। तो हमें ये उम्मीद थी कि उसको भी ये ध्यान में रखेंगे तो आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए कोई नया कानून भी बनाएंगे। हमें ये भी उम्मीद थी कि कोई नया कानून भी आने वाला है कि लोगों को इसके ऊपर कुछ राहत मिले, जब उनको इंसानियत समझकर, इंसान को इंसान समझकर उसको टाइम पीरियड दिया जाए, प्रेसिडेंट की रिजेक्शन का कोई टाइम लिमिट रखा जाए, मगर वो सब। और दूसरी थी हमारी जो डिले, मेंटल इलनेस और उसके जो मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह सब जा रहे थे कोर्ट को, सब उसमें भी बहुत हमें उम्मीद थी कि एक किसी भी मेंटल इलनेस अनस्टेबल इंसान की हैंगिंग तो होती नहीं है, मगर हमें इस पर भी बहुत धक्का लगा कि ये कैसा फैसला हुआ। लेकिन उस घटना में मैम कई परिवार के लोगों की भी जान गई थी, उस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जो जाने गई हैं उन्हें हमें उनसे बहुत हमदर्दी है, दुख है कि वो जाने ऐसे ही चली गई किसी की गलती के कारण, मगर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसे भुल्लर ने ही उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि जो कन्विक्शन हुई है उसमें उन्होंने लगा दिया हमें इल्जाम कि उन्होंने ये किया, प्रूव भी कह रहे हैं किया, मगर प्रूव कहीं हुआ नहीं है। 133 गवाह थे और एविडेंस कोई डायरेक्ट नहीं था, को अक्यूज्ड बरी है, तो इसमें सिर्फ टाडा के अंदर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो भी जो पहले से तैयार की हुई ला करके प्रिंट करवा लिया इनका थंब, तो उसी से की हुई है और तो है नहीं है। जो जज एक बरी कर रहे हैं एमबी शाह, दूसरे जजेस ने भी जो सजा दी है उन्होंने ये बोला है, अगर आप जजमेंट पढ़ो, कि सितंबर 11 के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए हम सजा कर रहे हैं, वो भी न्यूयॉर्क में हुआ है, ये सजा दिल्ली में हो रही है, तो वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर तो फिर तू मैं सब बहुत लोग आ जाएंगे।